आज हम आपको सेमी स्टिच राजपूती लहंगे में अस्तर लगाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से सीधा बिछा लेंगे। अब हम लहंगे को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे लाइनिंग के फैब्रिक पर इस तरह से बिछाएंगे। और जहां तक हमारा ये लहंगा आया है वहां पर हम लाइनिंग के फैब्रिक पर एक कट लगा देंगे। और यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया है यहाँ से हम इस लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से तिरछा फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमने इसे तिरछा फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर ये कोना जो है वो इस साइड से इसके हाफ तक आ गया है। अब इस साइड से हम इसे कट करेंगे। ये हमने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे उठाएंगे और ऊपर की साइड नीचे की साइड करके इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय हम नीचे वाले फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इसे हम बाद में मुड़ाई करके इस पर सिलाई लगा लेंगे जिससे कि फैब्रिक के धागे नहीं निकलेंगे। सिलाई आप आराम से लगाएं, फैब्रिक को बिल्कुल खींचे नहीं क्योंकि हमने लाइनिंग के फैब्रिक को तिरछा कट किया है जिससे कि यहाँ से ये बायस हो गया है, इसलिए इस पर आराम से सिलाई लगाएं। यहाँ पर ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से लाइनिंग के फैब्रिक के धागे नहीं निकलेंगे। अब हम लहंगे की फिटिंग करेंगे। तो लहंगे की जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास है 36। तो हमने लहंगे को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। 1.5 इंची का हम बेल्ट लगाएंगे तो इंच टेप को इस तरह से हमने 1.5 इंची बाहर की तरफ निकाल लिया है और यहाँ पर हम 36 पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इसी तरह से इंच टेप को आगे की तरफ रखते हुए आप 36 पर बराबर से निशान लगा लें। जितनी आपकी लहंगे की लेंथ हो उतना आप इस तरह से मेजरमेंट लेके निशान लगा सकते हैं। ये हमने 36 पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई में दबाने के लिए, तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने लाइनिंग के फैब्रिक को बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर लहंगे का जो मेन फैब्रिक है उसे भी हम इस तरह से बिछा लेंगे। सारी सलवटें निकालकर अच्छी तरह से इसे बिछा लेंगे और नीचे की साइड यहाँ पर हम लाइनिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। अब हम इस लाइनिंग के फैब्रिक को लहंगे के बराबर से कट कर लेंगे।
एक साइड से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे लाइनिंग का फैब्रिक। ये हमने लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसे दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर ये हमारे लहंगे के मेन फैब्रिक की कली जॉइंट हुई है इस तरह से, तो इसी पर हमें सिलाई लगाकर लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे पिनअप कर लिया है। आप चाहें तो इस पर हाथ से सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से हाथ से सिलाई लगाने से या पिनअप करने से आप आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से लाइनिंग के फैब्रिक पर सलवटें भी नहीं आएंगी। तो इस तरह से ये जो हमारे लहंगे का मेन फैब्रिक है उसकी जो कली जॉइंट हुई है उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगाते हुए लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करना है। ये सिलाई आप बड़े ही ध्यान से और आराम से लगाएं, और सिलाई लगाते समय ध्यान रखें कि जो धागा आप सिलाई लगाने के लिए यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल लहंगे के मैच का होना चाहिए, जिससे कि सिलाई दिखे नहीं। और अगर सिलाई में स्टोन वगैरह आ रहे हैं तो आप उन्हें हटा दें पहले ही, जिससे कि सुई टूटने का डर नहीं रहता है। ये हमने एक कली पर पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी कली पर सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हम एक साइड से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड से हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। और अब हम दूसरी कली पर यहाँ पर हम इसे पिनअप कर लेंगे या हाथ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे और इसे इस तरह से रखें कि लाइनिंग के फैब्रिक में बिल्कुल भी सलवटें नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह से हम सारी कलियों पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमने एक साइड सारी कलियों पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टोन जो सिलाई में आ रहे हैं इनको हम पहले ही उतार देंगे। और यहाँ से साइड से भी हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। ये हमने एक साइड की सारी कलियां जॉइंट कर ली हैं लाइनिंग के फैब्रिक से। अब हम जो हमने कलियां जॉइंट कर ली हैं उन्हें हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड से जहां से हमने सिलाई नहीं लगाई है उस साइड से हम इस तरह से ओपन करेंगे। और दूसरे साइड से भी हम सारी कलियों को इसी तरह से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। ये हमने सारी कलियां लाइनिंग के फैब्रिक पर जॉइंट कर ली हैं और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से जॉइंट हो गई हैं, बिल्कुल भी सलवटें नहीं हैं। और ये हमारे लहंगे का फ्रंट साइड है, इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से जॉइंट हो गई है। अब यहाँ पर लहंगे के बॉटम साइड से हम लाइनिंग के फैब्रिक को थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसे इस तरह से मोड़ के इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से इसी तरह से इसे फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये जो मंगजी लगी हुई है इसकी सिलाई पे ही हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम लहंगे को साइड से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हम ऊपर की साइड बेल्ट जॉइंट करेंगे वहाँ से हम 4 से 4.5 इंच इस तरह से छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर।
बेल्ट के साइड ये जो हमने 4 से 4.5 इंच फैब्रिक छोड़ा था, इस साइड आप चाहें तो चैन लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो हुक और आई कर सकते हैं। तो हम इस पर हुक और आई करेंगे, तो इसके लिए हम इसे इस तरह से यहाँ से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देते हैं। यह हमने बेल्ट के लिए फैब्रिक तैयार कर लिया है और मेन फैब्रिक पर यह हमने लाइनिंग का फैब्रिक सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच कर लिया है और इसकी चौड़ाई हमने ली है लगभग 4.5 इंच। और इस बेल्ट की लंबाई आप अपनी कमर की गोलाई से 2 इंच एक्स्ट्रा लें, क्योंकि 1-1 इंच दोनों साइड इस तरह से मुड़ाई में चला जाएगा। तो इसी तरह से मुड़ाई करके हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर यहाँ पर एक कट लगाएंगे। एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम कट लगाकर निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम लहंगे पर भी कट लगाकर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो इसके लिए हम इसी तरह से कट लगाकर इस पर निशान लगा लेंगे। और जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमने कट लगाकर निशान लगाए हैं, ये निशान से निशान मिलाते हुए हम बेल्ट अटैच करेंगे लहंगे पर। अब हम लहंगे से बेल्ट को इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया था और लहंगे पर जो कट लगाया था, दोनों कट को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे और बीच में जो फैब्रिक है इसमें हम इस तरह से प्लीट्स डाल लेंगे। इस तरह से हम बेल्ट अटैच करेंगे और हर कली में हम एक एक प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ से पहली कली है, इसमें हम इस तरह से एक छोटी सी प्लीट्स डालेंगे और इस पर स्टिच लगाएंगे। फिर नेक्स्ट कली में भी हम एक प्लीट डालेंगे इस तरह से और इस पर हम स्टिच लगा लेंगे। यहां से हम ये जो कट हमने लगाए थे इस तरह से, तो दोनों कट को हम इस तरह से मिलाएंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा फैब्रिक में हम प्लीट डाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से बेल्ट को हम लहंगे पर अटैच कर लेंगे। यह हमने बेल्ट को एक साइड से लहंगे पर अटैच कर लिया है। अब यहां से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे।
ये हमने लहंगे पर बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम इस पर यहाँ पर एक स्टिच और लगा देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इसे हम इस तरह से मोड़ कर इस पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से फैब्रिक के धागे नहीं निकलेंगे। तो ये हमने साइड में स्टिच लगा ली है और यहाँ पर हमने ये हुक और आई बना ली है। आप चाहें तो यहाँ पर चैन भी अटैच कर सकते हैं। यह हमारा राजपूती लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।